फिंगरप्रिंट से फ्यूचर बनाने का दावा कौन और क्यों कर रहा है और इस दावे में कितना दम है? क्या उंगलियों के निशान में लिखी है आपके बच्चे के भविष्य की कहानी? ये एक तरीका ऐसा है जिससे बहुत छोटी उम्र में बच्चों को ये बताया जा सकता है कि ऐसी कौन सी फील्ड है, क्या उनमें पोटेंशियल है, वो कौन सा करियर है जिसमें वो अपना मैक्सिमम टैलेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या अंगूठे की छाप बता सकती है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर? तो इस टेस्ट में हम फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस से 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस जो हर बच्चे में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं गॉड्स गिफ्ट या इनबॉर्न पोटेंशियल हर बच्चे का, उस पोटेंशियल को जांचते हैं। क्या एक टेस्ट बच्चे के करियर के हर सवाल का जवाब माता पिता को दे सकता है? स्ट्रीम्स ओपन है मेरे लिए, वो जानने के लिए मैं तो यहाँ पे, और मैं कौन से स्ट्रीम्स परस्यू कर सकती हूँ मेरे पोटेंशियल्स के हिसाब। आखिर फिंगरप्रिंट्स का टेस्ट कैसे पढ़ लेता है आपके बच्चे की दिमागी ताकत? एक चीज होती है कि जिसे कहते हैं लेफ्ट राइट ब्रेन पोटेंशियल। जैसे कि सम पीपल आर वेरी लॉजिकल, और कुछ लोग जो होते हैं ज्यादा इमोशनल होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं अपनी चीजें करने के तरीके में, तो ये चीज भी हम पेरेंट्स को बता सकते हैं। उंगलियों के निशानों का ऐसा टेस्ट जो आपके बच्चे को करियर की परीक्षा में कराएगा फर्स्ट क्लास से पास। एक दिलचस्प दावा है जो सामने आया है। फिंगरप्रिंट से फ्यूचर बताने के इस दावे पर बात करने के लिए मुंबई से हमारे साथ हैं एडिफी लैब्स के सीईओ नितेश कावड़े। इन्हीं की फर्म ये टेस्ट करती है। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ हैं कैलाश अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर वरुण भार्गव। इन दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पुराने जमाने से ही हाथों की रेखाएं पढ़कर पंडित आपके बच्चों का भविष्य बताते रहे हैं, लेकिन अब देश में एक ऐसी तकनीक आ गई है जो आपके फिंगरप्रिंट्स की जांच कर ये बताने का दावा करती है कि आपका बच्चा किस फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तकनीक का नाम है डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। क्या है ये टेस्ट, ये आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट में बताते हैं। फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशान। डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट से उंगलियों के इन्हीं निशानों के डेटा को एनालिसिस कर ये पता लगाया जाता है कि आपके बच्चे की किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रुचि है। उंगलियों के निशान से बच्चों में जन्मजात प्रतिभा को पहचानने की कोशिश की जाती है और उस प्रतिभा के आधार पर बच्चों के लिए करियर लाइन के सुझाव दिए जाते हैं, ताकि बच्चे अपने टैलेंट का सही जगह और पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें। DMIT टेस्ट, जैसे आप जानते हैं, इसका नाम है डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये बेस्ड है प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी पे। तो इस टेस्ट में हम फिंगरप्रिंट्स के एनालिसिस से 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस जो हर बच्चे में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं गॉड्स गिफ्ट या इनबॉर्न पोटेंशियल हर बच्चे का, उस पोटेंशियल को जांचते हैं। उसके साथ साथ एक लर्निंग स्टाइल जो हम कहते हैं कि कुछ लोगों को सुनकर पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जो एक्सपेरिमेंट करके या करके पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये सारी चीजें हम इस टेस्ट से डिस्कवर कर सकते हैं। डर्मेटोग्लिफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी DMIT, ये सेवा देश में नई है। सबसे पहली ये तकनीक सिंगापुर और ताइवान में 2 कंपनियों ने विकसित की। भारत में थम रूल नाम की कंपनी इस तकनीक के जरिए सैकड़ों माता पिता की मदद करने का दावा करती है। इस टेस्ट को कराने में कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पहले स्कैन के जरिए 10 उंगलियों के निशान दिए जाते हैं, जिसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। फिर इन निशानों को सिंगापुर भेजा जाता है और वहाँ से कुछ दिनों के अंदर ही आती है 25 पन्नों की एक रिपोर्ट, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर बच्चों के साथ माता पिता की काउंसलिंग की जाती है। ये जो हमारे फिंगरप्रिंट स्कैनर्स है, इनके द्वारा बच्चे के पूरे 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स हम अपने कंप्यूटर्स पे सेव करते हैं। उसके बाद जैसे आप देखोगे, ये जो इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट्स यहाँ सेव किए गए हैं, इन फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि इस फिंगरप्रिंट का पैटर्न कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, इस पैटर्न को हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं दिस इज एन उल्नार लूप। तो उल्नार लूप में कितने रिजेस है, उसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये 2 स्टेजेस का एनालिसिस होने के बाद जो फर्दर डिटेल एनालिसिस है, उसके लिए ये फिंगरप्रिंट्स को हम अपने सिंगापुर के बैक ऑफिस में भेजते हैं। वहाँ से डिटेल एनालिसिस के बाद हमें एक 25 पेजेस का रिपोर्ट रेडी होके आता है, जिसके बेसिस पे हम काउंसलिंग कंडक्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला फिंगरप्रिंट्स में करियर की कहानी कैसे छुपी हो सकती है। इस टेस्ट को करने वाले जानकार पूरी तकनीक को वैज्ञानिक मानते हैं। उनके मुताबिक फिंगरप्रिंट्स को अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो दिमाग के कई हिस्सों के विकास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर ही बच्चों के करियर के बारे में सलाह दी जाती है।
यही नहीं, टेस्ट में बच्चों की हैंडराइटिंग के डेटा का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हैंडराइटिंग होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, जैसे ये हैंडराइटिंग आप देख रहे हैं ये सीधी है, कुछ ऊपर की तरफ जाती है, कुछ सीधी जाती है और कुछ नीचे की तरफ जाती है। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। जिनके हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जाती है ये अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव होते हैं, जिनकी हैंडराइटिंग सीधी होती है ये अपने फ्यूचर के बारे में सेटल्ड होते हैं, और जिनकी हैंडराइटिंग नीचे जाती रहती है वो अपने फ्यूचर से डरते रहते हैं। हम लोग अभी फॉर एग्जांपल ये जो लड़की है इनका स्ट्रेट था, हम लोग ने इनको रिकमेंड किया कि आप हैंडराइटिंग को जानबूझ कर ऊपर लेके जाइए और अपने आप को एक अफर्मेटिव सिग्नल दीजिए। थम रूल और एडिफाइव लैब की दो कंपनियां मिलकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस टेस्ट की सुविधा मुहैया कराती है। कंपनी का दावा है कि अब तक हुए टेस्ट में करीब 96% नतीजे सही हैं। आगे आपको बताएंगे उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपने बच्चों के करियर को संवारने के लिए इस तकनीक का सहारा लिया। क्या ये तकनीक उनके काम आ पाई? संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। चलिए, अपनी इन रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको इस तकनीक के बारे में कुछ समझाने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मुंबई से हमारे साथ एडिफी लैब्स के सीईओ नितेश गावड़े हैं, साथ ही कैलाश अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर वरुण भार्गव इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गावड़े साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इस वक्त हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं जब हम गॉड पार्टिकल की बात करते हैं, जब हम गॉड पार्टिकल की बात करते हैं, हिग्स बोसोन की बात करते हैं, यानी साइंस में भी एक कदम आगे बढ़कर हम इन चीजों को भी वैल्यू करते हैं। ऐसे में आपकी लैब ने जो दावा किया यकीनन वो गर्व की बात है, खुशी की बात है। एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट लेकर आप सामने आए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कहां से ये आइडिया जनरेट हुआ और कितना आप इसको देखते हैं कि इसका असर कितने लोगों पर हो पाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट हम लोगों ने खुद पे ट्राई किया था। जैसे मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में मुझको 83% आए थे, तो मैंने सोचा मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं इसलिए मैंने साइंस लिया जूनियर कॉलेज के लिए। उसके बाद मुझे 12th स्टैंडर्ड में जब 96% आए तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि सारे जो होशियार बच्चे हैं वो MBA कर रहे हैं। उसके बाद मैंने MBA किया। MBA करने के बाद मुझे डे जीरो पे प्लेसमेंट मिल गई इंडिया के सबसे बड़े बैंक में। 2.5 साल वहां पर मैं मैनेजर का काम कर रहा था। बैंक बहुत अच्छी थी, जॉब बहुत अच्छा था, बट कहीं पर जो एक खुशी मिलती है काम करने में या एक खुशी जो जॉब सेटिस्फैक्शन होती है वो नहीं मिल रही थी। तब जाकर मैंने बहुत रिसर्च किया और पता किया कि किस तरह से कोई अपना करियर फाइंड आउट कर सके, और तभी थम रूल कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लॉन्च किया था। उनसे मेरी बात हुई और मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स के स्कैन दिए जिसमें सिर्फ ये वाले जो पार्ट होते हैं। एक मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, डर्मेटोग्लाइफिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी ये दोनों अलग अलग साइंसेस हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये वाले पार्ट के स्कैन लेते हैं, उसे हम लोग सिंगापुर भेजते हैं। जब 4 दिन बाद मेरा रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरा जो लॉजिकल इंटेलिजेंस है, जो पढ़ाई में काम आता है, जो वेरी गुड था, और जो मेरा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, जो बात करने में समझाने में आता है, वो एक्सेलेंट था। और रिपोर्ट ने मुझे बताया कि आपको HR ट्रेनिंग या टीचिंग फील्ड में होना चाहिए। उसी वक्त मैंने अपना जॉब से रेजिग्नेशन देके एडिफाई लैब स्टार्ट किया, जहां पे हम लोगों ने ट्रेनिंग और बच्चों के लिए असेसमेंट शुरू किया। और आज 3 साल के बाद हम लोगों ने कुछ 22,000 पेरेंट्स, 12,000 स्टूडेंट्स, 5,000 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, इन लोगों की ट्रेनिंग की है। कम से कम 8,000 लोगों के ये असेसमेंट किए हैं जहां पे हम लोग को 98% के ऊपर सेटिस्फैक्शन रेशियो मिला है जी। ये करने पे मुझे ये पता चला कि जिस टेस्ट का फायदा मुझे हुआ 25वें साल में मेरा करियर फाइंड आउट करने में, अगर वही टेस्ट हम लोग बच्चों के लिए किए जाए एट अ वेरी यंग एज, तो उनकी जो स्कूलिंग है, उनका जो कॉलेज है, उनका जो ग्रेजुएशन है, उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब उसी में होगा जिनमें उनका पोटेंशियल है। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि भविष्य में डिसीजंस लेने में, अपने करियर को बनाने में या कोई और डिसीजंस लेने में आपको आसानी होगी इसके नतीजों के आधार पर। हमारे साथ कैलाश अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर वरुण भार्गव भी हैं। भार्गव साहब, एक साइंस एक्सपर्ट के तौर पर अगर मैं सवाल आपसे पूछूं, हालांकि ये तो इनकी लैब ने दावा किया है इसलिए उन्होंने इसके फायदे नुकसान हमें बताए, लेकिन आप इसे किस तरह देखते हैं, कितना प्रैक्टिकल है ये? देखिए, ये एक अनुसंधान का विषय है। कारण ये है कि यदि हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें या हम पुराने जो एग्जाम्पल्स हैं, 8 से 2.5 हज़ार वर्ष पूर्व भी महात्मा बुद्ध की पांव की रेखाओं को देख करके कहा ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, हालांकि वो सम्राट धर्म के बन गए, या
बहुत सारे पामिस्ट है वो अंगुष्ठ से ज्ञान देते हैं कि अंगुष्ठ से ही हम अब पूरी रेखाओं से सब कुछ बतला सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ब्रेन की इंटेलिजेंस का संबंध है वो और फिंगरप्रिंट्स, इनके बीच में कोई जुड़ाव है या नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं फिंगरप्रिंट से फ्यूचर बताने वाली मशीन के बारे में। फिंगरप्रिंट से आपके बच्चे की करियर लाइन बताने वाले DMIT टेस्ट तकनीक देश में 3 साल पहले आई। करीब कई परिवारों ने भी इस तकनीक के इस्तेमाल से फायदा होने का दावा भी किया। हेमल ठक्कर से, हेमल ने 11वीं क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम को चुना, लेकिन और बच्चों की तरह हेमल अपने करियर के लिए कंफ्यूज रहती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस फील्ड में वो अपने टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगी। हेमल की माँ कश्मीरा ने रुख किया थंब रूल का, DMIT टेस्ट कराया गया। अब बेटी हेमल समेत माँ का भी दावा है कि टेस्ट से यकीनन उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। मैंने कॉमर्स लिया है तो मुझे इतने स्ट्रीम्स पता नहीं थे क्या क्या कर सकती हूँ, 2-3 स्ट्रीम्स ही पता थे, तो कौन से स्ट्रीम्स ओपन है मेरे लिए वो जानने के लिए मेन तो यहाँ पे, और मैं कौन से स्ट्रीम्स परस्यू कर सकती हूँ मेरे पोटेंशियल्स के हिसाब से। मतलब इतना क्लियर नहीं थी अपने फ्यूचर के बारे में और क्या कर सकती है, तो इसके बाद पता चल गया कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है। एक तो उसका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम लग रहा था, और एक्चुअली जो गोल उसको जो अचीव करना है उसके बारे में इतना वो स्ट्रांग नहीं है कि मुझे किस में जाना है, विच फील्ड विल बी बेटर फॉर मी, तो उस गाइडेंस के लिए हम लोगों ने यहाँ आना पसंद किया। संतुष्ट हैं आप गाइडलाइन? या इट्स वेरी गुड। क्या कुछ बताया? MBA छात्र विनीती गोस्वामी ने उंगलियों के निशान के इस अनोखे टेस्ट को अपनी नजर में पास किया है। टेस्ट के पहले जैसे मैंने ग्रेजुएशन फाइनेंस में किया था, तो मैं फाइनेंस में ही MBA करने वाली थी स्पेशलाइजेशन, तो ये टेस्ट के पहले मेरे को डाउट्स थे व्हाट आई शुड टेक, कि मेरी इंटरेस्ट इतना था नहीं फाइनेंस में, तो मैंने ये टेस्ट करवाया। उसमें मेरी लर्निंग स्टाइल एज वेल एज लर्निंग फॉर HR और एडमिन के लिए बेनिफिशियल बताया मुझे, तो उसके रिलेटेड मैंने मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस से HR में बदला। फर्क महसूस कर रही हूँ, लर्निंग पैटर्न हैज इंक्रीज। जो मैं अब गावड़े जी से एक फाइनल कमेंट लूँ, उससे पहले एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि सवाल इस टेक्निक पर उठाए गए, क्या आपको भी लगता है वाकई ये बहुत सब्जेक्टिव है बच्चों के करियर को डिसाइड करने को लेकर? देखिए साहब, इंटेलिजेंस जो है वो तो टेस्ट मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट होता है 70 से 130, लेकिन एक बात ये जरूरी है कैरियर काउंसलिंग में कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी किस तरफ रुझान है। जैसे बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो अच्छे क्रिकेटर श्रीकांत या निकले, जिनका इंटरेस्ट दूसरी चीज में था, इंटेलिजेंस अलग चीज थी, तो एक इंटरेस्ट बहुत जरूरी है इंटेलिजेंस के साथ। 70 से 130 के बीच की रेंज होती है सभी व्यक्तियों की एज के हिसाब से, तो उतना जान लेना भर बहुत होता है और उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा जान लिया जाता है। बिल्कुल, यानी आपने पॉइंट रेज किया, जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस के जरिए आप किसी के करियर को डिसाइड करने में तकनीक के जरिए कामयाब हो पाए, ये कुछ सब्जेक्टिव हो जाएगा। गावड़े जी, तमाम सवाल उठे तकनीक के ऊपर, अब आपसे इसका जवाब। आई कम्प्लीटली अग्री विथ डॉक्टर जो हमारे साथ हैं। हम लोग भी जब हमारे यहाँ पे बच्चे असेसमेंट करने आते हैं तो हम 3 जगहों पे काम करते हैं, पहला उनका पोटेंशियल, दूसरा उनका पर्सनालिटी और तीसरा उनका इंटरेस्ट। पोटेंशियल के लिए हम लोग बायोमेट्रिक स्कैन यूज करते हैं। सी, आज से जब 3 साल पहले हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की और जब हम बच्चों को और पेरेंट्स को हेल्प करते थे, तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कन्फ्यूज है क्या करना है। पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि बच्चा किस में अच्छा है, बच्चा खुद छोटा है उसे मालूम नहीं है। हमारी कंपनी ने एक थरो रिसर्च किया और ये रिसर्च को बहुत बड़े लेवल पे सैम्पलिंग किया गया, और जब हमको पता चला कि बायोमेट्रिक स्कैन के जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी एक्यूरेसी रेशियो बहुत अच्छी है, तभी हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो बायोमेट्रिक से हमको मिलता है बच्चे का पोटेंशियल, जो वो इनबॉर्न जन्म से कुछ पोटेंशियल लेके आया है। फिर 12 साल के बच्चों के लिए हम लोग हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं, जहां से उनके सबकॉन्शियस माइंड के सिग्नल स्टडी किए जाते हैं जो उनकी पर्सनालिटी बताती है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल और पर्सनालिटी के साथ साथ जो हम लोग 1 घंटे का काउंसिलिंग करते हैं, उसमें हम लोग बच्चे के साथ बात करके इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, और एट द एंड करियर या एजुकेशन जो भी सिलेक्ट करना है वो इंटरेस्ट पे होता है। आज के दिन में अगर बच्चे के पास 400 करियर ऑप्शंस है, पोटेंशियल और पर्सनालिटी असेसमेंट करने से ये 400 ऑप्शंस 4 से 6 हो जाते हैं। आपने इस पर एक पूरा यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया, पूरा एक इसका ओवरव्यू दिया इस तकनीक का। मुझे अब ये बात यहाँ पर, ये पूरा डिसीजन यहाँ पर अब कंक्लूड करना होगा। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये एक रिसर्च का विषय है, आगे भविष्य में देखने को मिलेगा कि किस तरह से इस तकनीक के फायदे मिलते हैं, कितना ये आगे बढ़ पाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।